मेरी कहानी का शीर्षक है दुख का अधिकार किसे। मानसी काफ़ी देर से काम वाली का इंतज़ार कर रही थी। चारों तरफ काम बिखरा पड़ा था, एक तरफ बर्तनों का ढेर, दूसरी तरफ घर की साफ़ सफाई पोंछा, एक तरफ कपड़े धुलने वाले थे, बच्चों को तैयार करना था और वो उसका इंतज़ार कर रही थी। खैर, उसने काम करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद काम वाली बाई आ गई। उसने आते ही बोला, आज तो मुझे चाय बना कर दे दो। मानसी ने भी हंसकर पूछा, क्यों, आज क्या हुआ, वैसे तो तुम काम करके चाय पीती हो। वो बोली, हाँ आज मेरा जी ठीक नहीं है, मैंने तो आना ही नहीं था क्योंकि रात को ही मेरी बहन के पति का एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। मानसी ने हैरानी से पूछा, तुम गई क्यों नहीं। बाई कहने लगी, मुझे अभी सभी घरों में काम करना है, मैंने पहले भी बहुत सारी छुट्टियां कर ली हैं, इसलिए आज थोड़ा थोड़ा काम करके फिर मैं भी चली जाऊंगी। जाने के लिए पैसे भी तो चाहिए होते हैं, मेरी बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने गांव से दूर यहां काम करने आया था, अब तो वो बेचारी क्या करेगी। वो परेशान हो रही थी और साथ ही साथ धीरे धीरे काम भी कर रही थी। मानसी को उसकी बात सुनकर एक तरबूज बेचने वाली औरत की कहानी याद आ गई। कैसे वह बाज़ार में तरबूज बेच रही थी और कुछ लोग उसे देखकर व्यंग कर रहे थे, हंस रहे थे, देखो इस औरत को कल ही इसका जवान बेटा मरा है और आज ही यहाँ तरबूज बेच रही है, इसको तो कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है अपने बच्चे की मौत का। हमारी गली में सेठानी का आदमी मरा तो वो 6 महीने बाहर ही नहीं निकली। उस औरत ने उनकी बातें सुन ली। वो पास खड़े आदमी से बोली, मेरे लड़के के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बहू बीमार रहती है, घर में जो कुछ था वो तो कल ही ख़त्म हो गया, अब उन बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे उनके लिए कुछ कमा कर लेके जाना है, इसीलिए मैं भी तरबूज बेचने आई हूँ ताकि उन छोटे बच्चों का पेट भर सकूँ। कहानी सुनकर मन भर उठता है और साथ ही एक सवाल मन में उठता है कि दुख का अधिकार किसे। दुख का अधिकार किसे, अमीर को या गरीब को। अमीर को पता है उसे रोटी मिल जाएगी, पर गरीब के लिए तो रोज़ मेहनत करके कमाने वाली बात है ताकि वे अपना व अपने बच्चों का पेट भर सके। गरीब व असहाय व्यक्ति अपने दुख को अपने मन में ही रखकर काम करता रहता है और लोगों के व्यंग मान भी सहता है, उसकी मजबूरी कोई नहीं समझता कि दुख का अधिकार किसे।